नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं वन रक्षक, पटवारी और आपके जो है रीट परीक्षा, उसके अलावा आपकी जेविनर की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट, इसके अलावा जितनी भी भर्तियां आने वाली है राजस्थान में, उसके लिए जो है कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और मैं आपके लिए कला संस्कृति के लगातार सीरीज चला रखी है। आज की ये पाँचवीं क्लास है, आज आपकी 3-4 दिन में जो है कला संस्कृति कम्प्लीट हो जाएगी और इन्हीं में से जो है आपका प्रश्न आएगा मित्रों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ाई करें, बिल्कुल अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं, ये रोज़ाना जो शुरू होती है अपनी क्लास, कब अपलोड होती है ये? शाम को 9 बजे अपलोड होती है, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, वहाँ चले जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न, भी आप भी कमेंट करना, मैं आपको डिटेल भी बताऊँगा इन प्रश्नों की। बकरीद का दूसरा नाम है, तो बकरीद का दूसरा क्या नाम है? तो बकरीद का दूसरा नाम है ईद उल जुहा। क्या है? ईद उल जुहा। अगला प्रश्न है, ईद उल जुहा का अर्थ होता है, ईद उल जुहा का अर्थ क्या होता है? कुर्बानी। क्या होता है? कुर्बानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्टर के रविवार के ठीक पहले आने वाले शुक्रवार को ईसा मसीह की मृत्यु तिथि के कारण मनाया जाने वाला त्यौहार होता है, तो कौन सा त्यौहार होता है? तो वो त्यौहार होता है गुड फ्राइडे। कौन सा? गुड फ्राइडे। अगला प्रश्न, ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो जो आपको पता है सभी को, ईसा मसीह के जन्म के दिन जो 25 दिसंबर को, हर साल 25 दिसंबर को आने वाला जो है 25 दिसंबर है, आज 21 हो गई है, 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान में कौन सी प्रजा प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो प्रथा है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है? पगड़ी की रस्म, बाल मुंडवाना, उठावना, जुआ जुई। तो जो दो सभी को पता है आपको क्या हो जाएगा, तो बाल भी मुंडवाते हैं, पगड़ी की रस्म भी होती है, उठावना भी होता है, जुआ जुई नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बडार का बोझ जो है किस मौके पर रखते हैं? तो वो रखते हैं विवाह के मौके पर, बडार का भोजन। अगला प्रश्न, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? तो बारात के बाद जो है उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? बारात के स्वागत के बाद, तो वो क्या कहलाता है? कुंवारी जान का भात। क्या कहलाता है? कुंवारी जान का भात। अगला प्रश्न, पीला पोमचा भेजा जाता है, तो पीला पोमचा किसके द्वारा भेजा जाता है? तो वह भेजा जाता है पियर पक्ष की ओर से, पीला पोमचा पियर पक्ष की ओर से भेजा जाता है। अगला प्रश्न, जलवा पूजन किससे संबंधित है? जलवा पूजन किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा जन्म से, जलवा पूजन जो है जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है, तो वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सभी को पता होगा राजसमंद में एक जगह है, कौन सी? नाथद्वारा। ठीक है, यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंदिर है श्री नाथ जी का मंदिर। काले संगमरमर की प्रतिमाएं यहाँ पर जो है मथुरा से लेकर के आए थे, जब औरंगजेब था दोस्तों, ठीक है, औरंगजेब ने जब ये मूर्तियाँ वगैरह तुड़वाना स्टार्ट किया था, तब जो है वहाँ से दो पंडित जो है यहाँ लेकर के आए थे, जो किसने? राज सिंह ने उनको शरण दी थी और वो यहाँ के रहे थे, ठीक है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये आपको याद रखना है, देख लो यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय में जो है मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है, और दिन में 8 बार पूजा करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को पृष्ठ मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने 16वीं सदी की शुरुआत में किया था। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा आराधना की जाती है, पूजा आराधना जो है बाल रूप की जाती है, काले संगमरमर की प्रतिमा होती है, ठीक है, और 8 बार दिन में पूजा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है, तो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? तो मित्रों उसकी प्रमुख पीठ है सलेमाबाद जैसलमेर में, अजमेर में सॉरी
अजमेर में जो है सलेमाबाद जगह है, वहाँ पर जो है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दोस्तों कभी कुछ गलती हो जाए तो नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बिश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानता है? तो बिश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानता है? पीपाजी, तेजाजी, जाम्बोजी, गोगाजी। तो सभी को पता होगा इस पर्सन का, ठीक है। तो 158 का बिल्कुल सही आंसर है, जाम्बोजी को बिश्नोई जो है अपना धर्म संस्थापक मानता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? तो लोक देवता की श्रेणी में गणेश जी नहीं आते, जाम्बो जी भी आते हैं, कल्ला जी भी आते हैं, तेजा जी भी आते हैं, ये सभी को बताएं। गणेश जी जो है देवता की श्रेणी में आते हैं, ना कि लोक देवता की में। अगला प्रश्न होगा आपका, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो वह है बिश्नोई। कौन सी है? बिश्नोई संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कौन सा संप्रदाय है जहाँ पर शाहपुरा में जिसकी प्रमुख पीठ है? तो संप्रदाय वह राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जवाब है लालदासी। नंगला पीठ जो है लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो आप सभी को पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब है टोडा। कहाँ पर है संत पीपा की गुफा? टोडा में। अगला प्रश्न, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। किसकी? चौहान की। अगला प्रश्न है आपका, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो किस देवी की पूजा करते हैं? तो वह करते हैं दोस्तों स्वांगिया देवी की पूजा करते हैं। सिरवी जाति से संबंधित देवी कौन सी है? तो सिरवी जाति से संबंधित देवी कौन सी है? तो वह देवी है आई माता। कौन सी माता? आई माता। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? तो नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? शेख हमीदुद्दीन की। अगला प्रश्न है आपका, संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ है मित्रों? फटाफट से आंसर कमेंट कर दो। ऑप्शन ए, टोंक में हुआ था। कहाँ पर? टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो कौन सा देवता है? गोगा जी, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? लोक देवता गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का, बताइए फटाफट से। तो फटाफट से इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खेजड़ी। अगला प्रश्न, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम है? तो रामसा पीर के नाम से किस संत का नाम है? बाबा रामदेव जी, जिसका रूणिचा में प्रसिद्ध स्थल है जैसलमेर में। अगला प्रश्न होगा आपका, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी को किस स्थान पर मेला लगता है? तो कहाँ पर मेला लगता है? आरएस में और एसआई में, दोनों में पूछा है ये। सही जवाब है गोगा मेड़ी नहर सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न होगा आपका, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में बीलों के काला जी है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में बीलों के काला जी कौन से है? तो सभी को पता होगा कौन सा है, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है दोस्तों, जो मेवाड़ में जो है बीलों के जो काला जी है उनको जो है केसरिया नाथ जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर केसर का लेप किया जाता है, इसलिए केसरिया नाथ जी। और ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी जो है ये क्या है, जैन तीर्थ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिमा है वो जैन तीर्थ कर की है, ठीक है। और कालाजी कौन बोलते हैं? जो भील है वो इसे कालाजी के नाम से पुकारते हैं।
तो सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन से लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। कौन है वह? सभी का जवाब है तेजाजी। अगला प्रश्न है आपका, लाचा गुजरी की गायें छुड़वाने गए थे दोस्तों ये मेर जाति से, किससे? मेर जाति से। फिर इन्हें रास्ते में जाते वक्त सांप को बचा लिया था। आते वक्त फिर उन्हें वचन पूरा करने के लिए इन्होंने जो क्या किया था, वचन पूरा किया था और सांप ने इनको डस लिया था। और आपको बता दूं यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा देवता है या लोक देवता है जिनका जो समाचार है कि उनकी मृत्यु हो गई वह एक घोड़ी ने दिया था, तो वह ऐसा लोक देवता कौन से है? तेजाजी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर जाम्बोजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्थान है? तो 195वें का सही आंसर है मुकाम। नेक्स्ट पर्सन होगा आपका, संत धन्ना के अनुसार मोक्ष का साधन है, संत धन्ना के अनुसार मोक्ष का क्या साधन है? भक्ति। अगला प्रश्न, पुष्टिमार्गी वैष्णव का धर्म तीर्थ कर है, पुष्टिमार्गी वैष्णव का धर्म तीर्थ स्थल है। सभी का आंसर है नाथ द्वारा। कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। और रणकपुर कहाँ पर है? रणकपुर पाली जिले में है। अगला प्रश्न है, अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं? तो किसके कहलाते हैं? अलख दरीबा दादू पंथ के। अलख दरीबा दादू पंथ धार्मिक पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वीडियो को शेयर किया नहीं किया और वीडियो कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट करो। कौन सा आभूषण स्त्रियों अपने सिर पर पहनती है? कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो 179 का सही आंसर है बोरलो। आभूषण स्त्रियां जो है अपने सिर पर पहनती है, तो ये सिर है तो यहाँ पर एक बोरलो पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजूबंद नेवर टड्डा ये सभी को पता है ये नहीं पहनते हैं सिर पे। अगला प्रश्न है, जोधपुरी कोट पेंट को दर्जा दिया गया है, तो जोधपुर का कोट पेंट प्रसिद्ध है, किसका दर्जा दिया है? राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जो है क्या है? बख्तरी है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है? महिला के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? बोर है, सबसे पहले बोर, फिर टिड्डी, फिर बिंदिया लगाती है, नथ, चुंप, गलपटिया, कड़ला। तो ये आपको जो है याद रखना है सीक्वेंस, ये महिलाओं से संबंधित जो है पूछा जाता है। मुर्कियाँ पहनी जाती है, तो मुर्कियाँ कहाँ पहनती है? पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। मुर्कियाँ कहाँ पहनते हैं? कान में। सही आंसर है सभी का, एकदम सभी को आंसर पता होगा। तो ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी किसकी लोकप्रिय है? सभी को आंसर पता होगा, आदिवासी स्त्रियों की। अगला प्रश्न है, तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी को कहाँ पहनते हैं? कमर में जो है कड़कती, और तगड़ी जो है कमर में पहनी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रदानशील औरतों के सिर पर ओढ़ने वाला वस्त्र क्या कहलाते हैं? प्रदानशील वस्त्र औरतों के सिर पर ओढ़ने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? सही आंसर है रेनसाई। क्या कहलाता है? रेनसाई। अगला प्रश्न, लप्पा लप्पी किरण एवं बागड़ी ये सब है, लप्पा लप्पी किरण एवं बागड़ी ये सब क्या है? तो ये एक सब क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। अगला प्रश्न, बिनोटा है, तो बिनोटा क्या है? बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ है। तो आज के ये प्रश्न जो होते हैं इम्पोर्टेंट, आपको कैसे लगे फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा।
147 क्वेश्चन से लेके मैंने आपको 188 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आप सभी बता सकते हो कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और कल जो है मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कल करवाऊंगा, सब बने रहिएगा। कल मैं आपको लगभग कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको कल, तो आप सभी लोग बिल्कुल कल भी आइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे कल इसी समय 9 बजे नई क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।